playing. This principle of Ashtak Varga is based on the principle कि हर प्लैनेट जहां भी प्लेस्ड होता है हॉरोस्कोप में, वो अपनी पोजीशन से भी और दूसरे प्लैनेट की पोजीशन से भी कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भेजता है डिफरेंट प्लेसेस। ईच प्लैनेट जहां भी प्लेस्ड है अपने हॉरोस्कोप में, वहां से और दूसरे प्लैनेट की पोजीशन से भी एंड इवन असेंडेंट से भी कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस सर्टेन प्लेसेस पर भेजता है, एंड उस पॉजिटिव इन्फ्लुएंस को हम काउंट करते हैं कि हर प्लैनेट जो है कहाँ कहाँ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भेज रहा है, और उसकी वजह से सारे प्लैनेट को जब हम कंबाइंड कर देते हैं तो उसका जो टोटल पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हर जगह क्या क्या होगा। तो इस बेसिकली बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल, और इसका हम बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं पर्टिकुलरली प्रिडिक्शन के लिए, और खास तौर से कि जो हमारे जो रिजल्ट्स हैं पर्टिकुलरली जैसे हम लोग ग्रह बल और भाव बल कैलकुलेट करते हैं, हर प्लैनेट की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, हर हाउस की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, तो काफी आपने देखा था कि इट वाज वेरी कम्बर्सम वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर, लेकिन अष्टक वर्ग सिस्टम में इतने आसान तरीके से इतना इजिली जस्ट बाई हैविंग ए ग्लांस एट द सिंपल चार्ट्स वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ ईच प्लैनेट ईच हाउस। तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है उस मामले में, और खास तौर से जब हम गोचर के रिजल्ट या ट्रांजिट के रिजल्ट देखते हैं, तो आपने देखा था जब हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांजिट के रिजल्ट देखने का तरीका भी बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है, लेकिन अष्टक वर्ग का सिस्टम के हिसाब से हम उसको बहुत आसानी से और डे टू डे बेसिस पर हर प्लैनेट का ट्रांजिट हर प्लैनेट के गोचर का क्या इफेक्ट होगा हम उसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। वो आप देखेंगे कितना आसानी से हम लोग ट्रांजिट के रिजल्ट हैं प्लैनेट की स्ट्रेंथ है हाउस की स्ट्रेंथ है कितना आसानी से हम इसको बता सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इसको हम हमेशा एज एन एडिशनल टूल यूज करते हैं, इट्स नॉट ए रिप्लेसमेंट ऑफ पराशर सिस्टम। ऐसा नहीं कि जो हमने पढ़ा है उसको हम रिप्लेस कर दें, बट डेफिनेटली वी कैन यूज इट एज एन एडिशनल टूल फॉर मेकिंग आवर प्रिडिक्शन। और इसमें हम क्या करते हैं कि हर राशि को 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 8 उसके डिवीजन करते हैं, और उसको हम 8 कक्षा बोलते हैं हर राशि को, और जब हम 30 को 8 से डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट इज ऑफ 3 डिग्री एंड 45 मिनट्स। दिस टेबल है, इसमें दिस टेबल भी यूज, और इस टेबल में आप देख रहे हैं कि जो हर राशि है उसके 8 पार्ट हैं, एंड इट्स लॉर्ड ऑफ इज अ सर्टेन प्लैनेट। एक्चुअली ईच पार्ट हैज लॉर्डशिप व्हिच इज इंडिकेटेड हियर कि फर्स्ट पार्ट का जैसे सैटर्न है, सेकंड का जुपिटर है, थर्ड का मार्स है, फोर्थ का सन है, लाइक दिस। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर प्लैनेट के नाम लिखे हुए हैं, हर प्लैनेट के नाम लिखे हुए हैं, और ये जो प्लैनेट है सपोज सन इज प्लेस समवेयर इन द हॉरोस्कोप, तो ये सैटर्न से इन इन पोजीशन पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भेजता है, सन से इन इन पोजीशन में, मार्स से इन इन पोजीशन में, और इवन असेंडेंट से इन इन पोजीशन में। तो ये हम इस जो चार्ट बनाते हैं उसमें हम यही देखते हैं कि हर प्लैनेट किन किन हाउसेस के ऊपर किन किन राशियों के ऊपर अपना जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भेज रहा है उसको हम काउंट करते हैं। तो दिस इज अ सिंपल मेथड ऑफ मेकिंग दिस अष्टक वर्गा, हम इसी चार्ट का यूज करके सारे जो अष्टक वर्गा है उसका हम बनाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि इसके बहुत सारे यूज हैं, पर्टिकुलरली जैसे हम लोगों ने कहा कि प्लैनेट की स्ट्रेंथ है, हाउस की स्ट्रेंथ है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो गोचर का कि हम डे टू डे बेसिस पर, क्योंकि डे टू डे बेसिस पर हम उस तरीके से नहीं देख सकते, लेकिन जब हम अष्टक वर्ग का सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते हैं कि हर प्लैनेट का और डे टू डे बेसिस पर हम ट्रांजिट के रिजल्ट बड़ी आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और इसमें हम इसका और भी इस्तेमाल करते हैं जैसे कुछ लाइफ की इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं उनके बारे में कि क्या मैग्नीट्यूड है, क्या इंपॉर्टेंस है इवेंट का, टाइमिंग ऑफ इवेंट है, नेचर क्वालिटी एंड काइंड ऑफ इवेंट है, उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ट्रांजिट के रिजल्ट हम देखते ही हैं, और इसके अलावा लॉन्गेविटी,
आप देखे होंगे पुराने हॉरोस्कोप में कि कुछ हॉरोस्कोप में लिखा रहता है कि आपकी आयु इतनी है, एंड दे वेरी स्पेसिफिकली इंडिकेट कि 70 years and 4 months, 75 years and so many months, और आपको लगता होगा कि ये कहाँ से इन्होंने बता दिया। बट दिस इज ओनली अष्टक वर्गा कि इसमें फॉर्मूली हैं कि उसके हिसाब से हम किसी भी व्यक्ति की लॉन्गेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सच ए गुड थिंग एक्चुअली, बिकॉज दिस इज ओनली मेथड जहां पर हम किसी भी नेटिव की लॉन्गेविटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और एग्जैक्टली बिकॉज आई हैव बीन डिस्कसिंग विद मेनी पीपल आल्सो, एंड व्हाट दे से दैट व्हाट वी फाइंड आउट द लॉन्गेविटी विद यूजिंग द फॉर्मूला इन अष्टक वर्गा, एंड हार्डली देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 6 months बिटवीन द एक्चुअल लॉन्गेविटी एंड द लॉन्गेविटी ऑब्टेन फ्रॉम दिस फॉर्मूला। दिस इज सो एक्यूरेट बिकॉज इवन इफ यू गेट विद अ डिफरेंस ऑफ 6 months, आई वुड से इट्स वेरी वेरी एक्यूरेट एक्चुअली। तो इसमें फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसमें लॉन्गेविटी भी या एग्जैक्ट एज है आदमी की वो भी हम निकाल सकते हैं। इसको हम मुहूर्त के लिए भी यूज करते हैं, काफी जगह आप देखेंगे इसमें कि हम मुहूर्त निकालने के लिए भी अष्टक वर्ग का सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑल दीज थिंग्स यू विल सी हाउ वी डू इट एक्चुअली। और इसमें जैसे जो हम चार्ट बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, और जैसे मैंने कहा कि हम इंडिविजुअल प्लैनेट का पहले देखते हैं कि इंडिविजुअल प्लैनेट जो है अपनी जगह से और दूसरे प्लैनेट की पोजीशन से और असेंडेंट की पोजीशन से कहाँ कहाँ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भेज रहा है। तो उसकी वजह से जो चार्ट बनता है बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल प्लैनेट, उसको हम भिन्नाष्टक वर्ग कहते हैं या इंडिविजुअल अष्टक वर्ग चार्ट बोलते हैं। तो ये जो टर्म हम यूज करेंगे यहाँ पर, दिस इज नोन एज ए भिन्नाष्टक वर्गा और द इंडिविजुअल अष्टक वर्गा चार्ट। इसमें हम यही करते हैं कि जो भी प्लैनेट है इंडिविजुअल प्लैनेट को हम कंसिडर करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको टेबल दिखाया, उस टेबल की मदद से हमें ये पता लग जाता है कि एक प्लैनेट जहां भी प्लेस्ड है वो अपनी जगह से और दूसरे प्लैनेट की पोजीशन से भी कहाँ कहाँ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भेज रहा है, और उसके बेसिस पर जो चार्ट बनता है दैट इज नोन एज भिन्नाष्टक वर्गा और द इंडिविजुअल अष्टक वर्गा चार्ट। फिर जो भी हम इंडिविजुअल अष्टक वर्गा चार्ट बनाते हैं उसमें हम कुछ रिडक्शन अप्लाई करते हैं, वो अभी हम देखेंगे कौन कौन से रिडक्शन अप्लाई करते हैं। तो जो चार्ट बनते हैं आफ्टर अप्लाइंग रिडक्शन, तो दोज आर नोन एज भिन्नाष्टक वर्गा आफ्टर रिडक्शंस। तो वो भी हम देखेंगे कौन कौन से रिडक्शन हम अप्लाई करते हैं भिन्नाष्टक वर्गा बनाने के बाद और उनका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर हम सारे भिन्नाष्टक वर्ग के पॉइंट्स हर हाउस में ऐड कर दें कि सन की वजह से यहाँ पर इतने पॉइंट मिल रहे हैं, मून की वजह से इतने, मार्स की वजह से इतने, हर प्लैनेट की वजह से एक पर्टिकुलर हाउसेस में कितने कितने पॉइंट मिल रहे हैं, उन सबको अगर हम ऐड कर दें तो दैट इज नोन एज ए सर्वाष्टक वर्गा चार्ट, और वी कॉल इट ए टोटल अष्टक वर्गा चार्ट, टोटल अष्टक वर्ग का चार्ट बोलते हैं। उसका भी हम देखेंगे बहुत अच्छा हम यूज करेंगे, बहुत अच्छा एक हम असेसमेंट कर सकते हैं अबाउट ए नेटिव एक्चुअली। और एक चार्ट और भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं जिसको कि हम प्रस्तारक वर्गा या स्प्रेड आउट चार्ट बोलते हैं। ये भी सिमिलर टू भिन्नाष्टक वर्गा, बट इन प्लेस ऑफ मेकिंग ए टेबल वी जस्ट फॉर्मेट, इन प्लेस ऑफ मेकिंग ए चार्ट वी मेक ए टेबल, दैट ऑल्सो विल सी व्हाट इज प्रस्तारक वर्गा चार्ट एक्चुअली। अब जहां तक अष्टक वर्गा का सवाल है, हम लोग असेंडेंट से कैलकुलेट करते हैं सारी चीजें, जो लग्न चार्ट है उससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी, वो कहते हैं कि 2.5 या 2 घंटे तक असेंडेंट तो सेम रहता है, इसका मतलब जो भी लोग 2 घंटे में पैदा होंगे उनका अष्टक वर्ग का चार्ट सेम रहेगा, उनका अष्टक वर्ग का चार्ट जो है वो बिल्कुल ही सेम रहेगा। तो कुछ लोग ये प्रिफर करते हैं कि ये जो हम लग्न चार्ट से देखते हैं वो सही नहीं है, बिकॉज चार्ट कैन नॉट बी सेम फॉर द पीपल बॉर्न ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 2 आवर्स एक्चुअली। तो कुछ लोग ये कहते हैं और एडवोकेट भी करते हैं और कुछ हद तक सही भी है कि ये जो अष्टक वर्ग का चार्ट है हमें लग्न चार्ट से नहीं बनाना चाहिए, जो भाव चलित चार्ट है उससे बनाना चाहिए, क्योंकि भाव चलित चार्ट में 2 घंटे में पोजिशन चेंज हो सकती है। बट स्टिल बिकॉज जो भी हम आजकल जो इसका जो हम करते हैं या जो प्रैक्टिस है
उसके हिसाब से हम लग्न चार्ट से ही बनाते हैं, जितने भी अष्टक वर्गा चार्ट बना रहे हैं भाव चार्ट से नहीं बनाते। बट ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी है कि अष्टक वर्गा चार्ट हम लग्न चार्ट से बनाएं या भाव चार्ट से बनाएं। बट एज पर द प्रैक्टिस वी ऑलवेज मेक इट विद द हेल्प ऑफ लग्न चार्ट ओनली। इसमें और भी हम कुछ टर्म यूज करते हैं कि जैसे आपने अभी टेबल देखा, टेबल में यहाँ पर राशि पिंड और ग्रह पिंड लिखा हुआ है, ये भी एक टेबल है और राशि पिंड और ग्रह पिंड में ये प्लैनेट के नंबर हैं और ये राशियों के नंबर लिखे हुए हैं। तो इसको हम कहते हैं राशि मल्टीप्लायर एंड दिस इज नोन एज ए प्लैनेट मल्टीप्लायर, राशि गुणकर और ग्रह गुणकर। जो भी राशियों के नीचे जो पॉइंट लिखे हुए हैं दीज आर राशि मल्टीप्लायर, फॉर ईच राशि यू फाइंड अ डिफरेंट नंबर, सिमिलरली विद ईच प्लैनेट यू फाइंड अ डिफरेंट नंबर। तो इसको हम राशि मल्टीप्लायर बोलते हैं और इसको हम प्लैनेट मल्टीप्लायर, राशि गुणकर या ग्रह गुणकर हम इनको बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ हेलो सर ये कैसे डिसाइड होता है राशि गुणकर? हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, तो डिसाइड नहीं है, ये तो एक टेबल है, जैसे कि हमने टेबल देखा कि कहाँ कहाँ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। तो दिस इज व्हाट दे हैव डन, व्हाट अवर ऋषि मुनि हैव डिसाइडेड और व्हाट दे हैव ऑब्जर्वड एक्चुअली, इट इज बेस्ड ऑन दैट। ओके। तो इसमें हम कुछ टर्म्स भी यूज करेंगे, जैसे पहला टर्म है शौर्य वशिष्ठ, शौर्य वशिष्ठ। जैसे मैंने कहा कि हम पहले इंडिविजुअल अष्टक वर्ग का चार्ट बनाएंगे और उसमें फिर हम कुछ रिडक्शन अप्लाई करते हैं। तो रिडक्शन के बाद जो इंडिविजुअल अष्टक वर्ग का चार्ट होते हैं उसमें कुछ पॉइंट बचेंगे हर हाउस में। तो सम टोटल ऑफ बिंदुज, वी कॉल दम बिंदुज, जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है उसको हम बिंदु बोलते हैं। तो द सम टोटल ऑफ बिंदुज दैट रिमेन इन द वेरियस भावस आफ्टर टू रिडक्शन, दो रिडक्शन होते हैं जो अभी हम देखेंगे उसमें जो है, तो दोनों रिडक्शन अप्लाई होने के बाद अगर हम हर भाव के पॉइंट्स को ऐड कर लें तो टोटल जो पॉइंट्स आएंगे उसको हम शौर्य वशिष्ठ के नाम से जानते हैं। हमने इंडिविजुअल अष्टक वर्ग का चार्ट बनाया, उसमें हमने दोनों रिडक्शन अप्लाई किए, रिडक्शन अप्लाई करने के बाद जो भी हमारे 12 हाउसेस हैं उन हाउसेस में जो जो पॉइंट बचते हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं, दैट इज नोन एज ए शौर्य वशिष्ठ। सेकेंड इज द राशि पिंड। राशि पिंड क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि हर राशि का एक राशि मल्टीप्लायर है, तो उस राशि में जितने भी पॉइंट होते हैं जितने भी बिंदु होते हैं उसको हम उस राशि मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर राशि में 5 पॉइंट या 2 पॉइंट हैं, तो जो भी राशि मल्टीप्लायर है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी तरह से हर राशि में जितने जितने पॉइंट हैं उन पॉइंट्स को उन राशि मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल सम ऑफ द प्रोडक्ट आता है दैट इज नोन एज ए राशि पिंड, उसको हम राशि पिंड कहते हैं। इसी तरह से ग्रह पिंड है। ग्रह पिंड का अर्थ है कि हर प्लैनेट के साथ जो भी हम अष्टक वर्ग का चार्ट बना रहे हैं तो हर प्लैनेट के साथ कितने पॉइंट हैं, कितने बिंदु हैं, और उस बिंदु को हम जो प्लैनेट मल्टीप्लायर है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हर प्लैनेट के जो पॉइंट हैं उसको प्लैनेट के मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके और जो भी टोटल पॉइंट बनते हैं इस तरह से, दैट इज नोन एज ए ग्रह पिंड। तो ये राशि पिंड में हमने राशि के साथ पॉइंट देखे, बिंदु देखे कितने हैं, उसको राशि मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दिया, और ग्रह पिंड में हर प्लैनेट के साथ कितने बिंदु हैं उनको हमने प्लैनेट मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो भी टोटल आता है उसको हम राशि पिंड और ग्रह पिंड हम उसको बोलते हैं। इनका हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम इस्तेमाल करते हैं दैट विल सी। उसके बाद एक टर्म और है जिसको कि हम शौर्य पिंड बोलते हैं या शुद्ध पिंड बोलते हैं या योग पिंड भी बोलते हैं, तीनों में से हम कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, शौर्य पिंड, शुद्ध पिंड और योग पिंड। तो अगर हम राशि पिंड और ग्रह पिंड को ऐड कर दें, द टोटल सम ऑफ राशि पिंड एंड ग्रह पिंड दैट इज नोन एज ए शौर्य पिंड और शुद्ध पिंड और योग पिंड। तो राशि पिंड और ग्रह पिंड को हम जब ऐड कर देते हैं तो ये शौर्य पिंड बन जाता है। अब जैसे मैंने कहा कि
इंडिविजुअल अष्टक वर्गा चार्ट बनाने के बाद हम दो रिडक्शन अप्लाई करते हैं, उन जो पॉइंट्स आते हैं उनको हम रिड्यूस करते हैं, और जो पहला रिडक्शन है उसको हम त्रिकोण रिडक्शन बोलते हैं। जो फर्स्ट रिडक्शन करेंगे हम उसको हम त्रिकोण रिडक्शन बोलते हैं। त्रिकोण रिडक्शन में क्या करते हैं कि हम जितने भी जो हमारे हाउसेस हैं उनको चार त्रिकोण ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। पहला त्रिकोण ग्रुप तो आपने देखा फर्स्ट फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस है, सेकंड त्रिकोण इज 2, 6, 10, थर्ड त्रिकोण इज 3, 7, 11 एंड फोर्थ त्रिकोण ग्रुप इज 4, 8, 12 हाउसेस। तो हमने जो भी हमारे 12 हाउसेस हैं उनको चार त्रिकोण ग्रुप में डिवाइड कर लिया। और फिर हम ये प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं उसके लिए रिडक्शन के लिए, व्हेन सेम नंबर ऑफ बिंदु इज नॉट इन द ट्रायंगल ग्रुप। जब जो तीनों हमने ट्रायंगल ग्रुप कंसिडर किए उसमें अगर सेम बिंदु नहीं है, सबट्रैक्ट लीस्ट फ्रॉम ऑल, तो जो भी सबसे कम बिंदु होते हैं वो हम तीनों में से सबट्रैक्ट कर देते हैं। सेकंड है कि इफ नो फिगर इन वन साइन ऑफ द ट्रायंगल ग्रुप, अगर तीनों जो हमने हाउसेस कंसिडर किए उसमें से अगर एक हाउस में जीरो फिगर है फिर हम कोई रिडक्शन अप्लाई नहीं करते। तीसरा है कि इफ नो फिगर इन टू साइंस, अगर दो हाउसेस में कोई फिगर नहीं है तो हम थर्ड को भी एलिमिनेट कर देते हैं, थर्ड को भी एलिमिनेट कर देते हैं। और चौथा यह है कि इफ फिगर्स इन द ट्रायंगल ग्रुप इक्वल, अगर तीनों में अगर इक्वल इक्वल फिगर है तो हम तीनों को ही एलिमिनेट कर देते हैं, तीनों को ही जीरो बना देते हैं। जैसे यहां देखेंगे कि ये है पॉइंट्स हैं विदाउट रिडक्शन, तो यहाँ जो लेफ्ट साइड में राशियां हैं 10, 11, 12 लाइक दिस, और राइट साइड में पॉइंट्स हैं कि यहाँ पर जीरो है, पांच है, पांच है, इस तरह से पॉइंट्स हैं। तो हम एक एक ट्रायंगल ग्रुप को कंसिडर करेंगे, 1, 5, 9, जैसे ये 1 है, ये 5 है, ये 9 है, तो इसमें कितने कितने पॉइंट्स हैं, इसमें 0 है, इसमें 3 है और इसमें 4 है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है इफ नो फिगर इन वन साइन देन वी डोंट अप्लाई एनी रिडक्शन, अगर तीनों साइन में से एक भी साइन में अगर जीरो फिगर है तो कोई हम रिडक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। वही चीज यहाँ पर है, यहाँ पर जीरो फिगर है या 3 है या 4 है, तो एक में जीरो फिगर है तो इसका मतलब कोई रिडक्शन इसमें अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ हमने देखा कि 0, 3, 4 इट रिमेंड एज सच, इसमें कोई हमने रिडक्शन अप्लाई नहीं किया। कोई दूसरा ट्राइंगल ग्रुप कंसिडर करिए, 2, 6, 10, 2, 6, 10, this is second, this is sixth house, this is 10th house, इसमें 5 पॉइंट है, इसमें 5 पॉइंट है और इसमें 3 पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तीनों में पॉइंट, तो हमने जो भी लीस्ट है उसको तीनों में से रिड्यूस कर दिया। यहाँ 3 जो है लोएस्ट है तो उसको हमने 5 में से 3 माइनस किए 2 हो गया, और 5 में से 3 माइनस किए 2 हो गया, और 3 में से 3 माइनस किया 0 हो गया। तो इस तरह से ये रिडक्शन हमने अप्लाई किया। लेट अस सी 4, 8, 12, ये जो लास्ट ट्रायंगल ग्रुप है 4, 8, 12, इसमें क्या है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो नेचुरली इक्वल नहीं है, जो लोएस्ट है वो 4 है, तो हमने 4 सब में से माइनस कर दिए, 5 में से 4 माइनस किए 1 आया, 4 में से 4 माइनस किया 0 आया, और 5 में से 4 माइनस किया 1 आया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हर ट्रायंगल ग्रुप में इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए हम रिडक्शन अप्लाई करेंगे, और जो भी पॉइंट आते हैं इस तरह से, दिस टेबल और दिस चार्ट इज नोन एज पॉइंट्स बिंदुज आफ्टर त्रिकोण रिडक्शन, तो इसको हम त्रिकोण रिडक्शन हम बोलते हैं। इसके बाद एक और रिडक्शन हम अप्लाई करते हैं, उसको हम कहते हैं एकाधिपत्य रिडक्शन, एकाधिपत्य बिकॉज ईच प्लैनेट एक्सेप्ट सन एंड मून, ही हैज लॉर्डशिप ऑफ टू साइंस,
इसको हम एकाधिपत्य रिडक्शन कहते हैं, और एकाधिपत्य रिडक्शन जो है वो त्रिकोण रिडक्शन जब हम कर देते हैं उनके पॉइंट्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो इसके भी फॉर्मूले हैं और प्रिंसिपल हैं। जैसे कि पहले केस में हम कोई रिडक्शन अप्लाई नहीं करेंगे, किन केसेस में, पहला इफ, और हमें इसमें क्या करना है कि जो हर प्लैनेट है उसके जो दो साइन है जिनको कि वो ओन करता है उसको हम कंसिडर करेंगे, और इनको हम 4 और 5 साइन क्योंकि इनका जो लॉर्ड है एक ही है तो इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसलिए ये रिडक्शन जो है 4 और 5 साइन पर अप्लाई नहीं होता, बट बाकी प्लैनेट जो दो दो साइन ओन करते हैं उन सबके ऊपर अप्लाई होगा। तो पहला कंडीशन है कि इन दिस सर्कमस्टांसेस वी डोंट अप्लाई एनी रिडक्शन एट ऑल। कौन से? इफ द प्लैनेट इन बोथ साइन ओन्ड बाय द प्लैनेट, अगर जो दो साइन है जिसके की ओनरशिप है किसी भी प्लैनेट का, अगर उन दोनों साइन में प्लैनेट प्लेस्ड हैं आपके हॉरोस्कोप में तो हम कोई भी रिडक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। सेकंड है कि नो फिगर इन वन ऑफ द साइन वेदर ऑक्यूपाइड और नॉट, और सेकंड केस जब होगा जब दोनों साइन में से एक साइन में अगर जीरो फिगर है, उस केस में प्लैनेट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों केसेस में हम कोई रिडक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। सेकंड है कि मान लीजिए कि दो साइन हैं और दो साइन में से एक साइन में तो प्लैनेट है और एक में नहीं है, तब हम क्या करेंगे? तो उसमें ये है कि इफ फिगर इन द फॉर्मर, फॉर्मर मीन्स कि जिसमें प्लैनेट है ऑक्यूपाइड है इज ग्रेटर एलिमिनेट लेटर, जिसमें अगर प्लैनेट है उसमें अगर फिगर जो है वो ज्यादा है तो हम दूसरे वाले फिगर जो है उसको जीरो कर देंगे। दूसरा केस है कि इफ द फिगर इन द फॉर्मर इज लेस, फॉर्मर मीन्स कि विच इज ऑक्यूपाइड, मेक लेटर इक्वल टू फॉर्मर, तो जो ज्यादा वाली फिगर है उसको भी हम छोटा कर देंगे या पहले वाले के बराबर कर देंगे। और अगर फिगर इन बोथ इज इक्वल कि एक साइन में प्लैनेट है एक में नहीं है, तो कहते हैं कि इफ द फिगर इन बोथ इक्वल एलिमिनेट द फिगर इन द लेटर, जिसमें जो साइन जिसमें प्लैनेट नहीं है उसकी फिगर को हम जीरो कर देंगे। और तीसरा केस बनता है कि इफ बोथ द साइंस आर नॉट ऑक्यूपाइड, दोनों जो साइन है उसमें कोई प्लैनेट है ही नहीं, तब उस केस में हम क्या करेंगे? उसमें दो चीजें हैं कि इफ द फिगर इन बोथ इक्वल एलिमिनेट बोथ, एंड इफ द फिगर नॉट इक्वल मेक लार्जर इक्वल टू स्मॉलर। तो मैं एक दो एग्जांपल दे के आपको क्लियर करूंगा कि कैसे हम करेंगे। कि ये हमारा पॉइंट्स हैं आफ्टर रिडक्शन, ये लेफ्ट साइड में साइन लिखा हुआ है और जिन जिन साइन में प्लैनेट हैं उनके प्लैनेट के नाम लिखे हुए हैं। तो पहली चीज तो यह है कि दिस इज नॉट टू बी अप्लाइड फॉर साइन नंबर 4 और 5। 4 और 5 में हम इसको अप्लाई नहीं करते। 4 और 5 ये हैं तो यहाँ पर जीरो फिगर है तो जीरो का जीरो रहेगा, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है कि 4 और 5 साइन में अप्लाई नहीं होगा। लेट अस स्टार्ट विद मार्स। मार्स इज ओनरशिप ऑफ टू प्लैनेट, टू साइंस 1 और 8। तो 1 कौन सा है? यहाँ पर ये है और 8 ये है। मार्स एज ए लॉर्डशिप ऑफ दिस टू। अब इसमें देखिए क्या पोजीशन है कि एक साइन में प्लैनेट है एक में नहीं है। 8 नंबर साइन में तो प्लैनेट प्लेस्ड है लेकिन 1 नंबर साइन में प्लैनेट नहीं है, तो उस केस में हम क्या अप्लाई करेंगे? रूल 2C कि एक में 1 साइन इज ऑक्यूपाइड एंड अदर नॉट, ये अप्लाई होगा इसमें। 1 साइन इज ऑक्यूपाइड एंड अदर नॉट, एक साइन में प्लैनेट है एक में नहीं है। और सी क्या है कि इफ फिगर इन बोथ इक्वल एलिमिनेट द फिगर इन द लेटर, लेटर मींस कि द साइन इन विच देयर इज नो प्लैनेट। तो यहां पर आपने देखा यहां पर एक था और यहां पर एक है, एक ऑक्यूपाइड है एक नहीं है, तो जो साइन ऑक्यूपाइड नहीं है उसकी फिगर को हम एलिमिनेट कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा 1 और 8 में जहां पर प्लैनेट नहीं है उसकी फिगर को हमने जीरो कर दिया, राइट? तो इस तरह से ये रिडक्शन अप्लाई किया मार्स के दो साइन के ऊपर। नाउ लेट्स टॉक ऑफ मरकरी।
मरकरी हैज अ लॉर्डशिप ऑफ थ्री एंड सिक्स साइन, तो यहाँ थ्री एंड सिक्स साइन को हमने देखा, थर्ड साइन इज दिस वन एंड सिक्स साइन इज दिस वन, यहाँ क्या पोजिशन है, यहां भी प्लैनेट है और यहां भी प्लैनेट है, यहां भी प्लैनेट है और यहां भी प्लैनेट है, और हमने कहा यहां पर कि जब दोनों साइन आर ऑक्यूपाइड, इफ प्लैनेट इन द बोथ साइन ओन्ड बाय द प्लैनेट, देन वी डोंट अप्लाई एनी रिडक्शन। और यहां पर मरकरी के केस में आपने देखा कि थर्ड और सिक्स साइन दोनों साइन में प्लैनेट प्लेस्ड है, तो इसका मतलब इन दो साइन के लिए हम कोई रिडक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट वी हैव डन हियर एक्चुअली, कि इसमें जो दो नंबर था दो रहने दिया और इसमें चार नंबर था वो चार रहने दिया। तो इस तरह से हम हर प्लैनेट के जो दो साइन हैं और चार और पांच साइन को छोड़ देते हैं और बाकी हर प्लैनेट के जो दो साइन होते हैं उनको लेकर देखते हैं और इन तीन प्रिंसिपल के ऊपर हम रिडक्शन अप्लाई करते हैं। तो आपने देखा कि पहले हमने चार्ट बनाया अष्टकोण का चार्ट, उसके ऊपर हमने त्रिकोण रिडक्शन अप्लाई किया और त्रिकोण रिडक्शन के बाद हमने एकाधिपत रिडक्शन अप्लाई किया, उसके बाद हमें ये पॉइंट मिले, ये जो पॉइंट मिले, ठीक है। अब हमें राशिपिंड और ग्रहपिंड निकालना है, राशिपिंड और ग्रहपिंड। तो हमने हर राशि, जैसे 10 नंबर राशि है, इसका गुणकर देखा, मल्टीप्लायर देखा, ये जीरो है तो जीरो ही रहेगा। फिर 11 नंबर राशि में दो पॉइंट हैं, इसका गुणकर देखा कितना है, उससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ जीरो है जीरो है, जहां जहां पॉइंट है वहां पर हम राशि मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके और जो टोटल आएगा उसका सारा, दैट इज नोन एज ए राशि पिंड। इसी तरह से हर प्लैनेट है, जैसे यहाँ पर मून है तो मून के साथ दो पॉइंट है और उसको हमने मून का जो भी प्लैनेट मल्टीप्लाई है उससे मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से जैसे ये जुपिटर है, जुपिटर के साथ दो पॉइंट हैं, उसको भी हमने ग्रह गुणकर से अप्लाई किया। इस तरह से हर प्लैनेट के जो पॉइंट हैं उनको ग्रह गुणकर से मल्टीप्लाई करके जो भी टोटल आता है दैट इज राशि पिंड, ग्रह पिंड। तो हमने राशि पिंड और ग्रह पिंड को जब ऐड कर लेंगे तो दैट इज योर शौर्यपिंड। ये प्रस्तारक वर्ग का चार्ट है, प्रस्तारक वर्ग का चार्ट है, तो यहाँ पर जो जीरो जीरो है ये हम बिंदु हैं या पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। तो जैसा कि हम उस चार्ट से देखते हैं कि अगर सन का हम अष्टक वर्ग का चार्ट बनाएंगे तो सन जो है सैटर्न से इन इन पोजीशन में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, जुपिटर का इन इन पोजीशन में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, और फिर हम उन सबको एड कर देते हैं। तो दिस इज जस्ट लाइक रिप्रेजेंटिंग इन अ डिफरेंट फॉर्म, स्प्रेड आउट चार्ट हम बोलते हैं। और इससे हमें ये फायदा हो जाता है कि हर कक्षा में, क्योंकि मैंने कहा कि ये हमने हर प्लैनेट को आठ कक्षाओं में डिवाइड किया, तो किस कक्षा में पॉइंट है किस में नहीं है वो हमें प्रेडिक्शन में बाद में हेल्प करेगी। अब हम जो भिन्नाष्टक वर्गा है हर प्लैनेट का, उसका हम कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम एक नॉर्मल तरीके से हम देखते हैं। कि पहली चीज तो यह है कि हम जो ग्रह बल और भाव बल है वो कैसे हम देखेंगे। तो एक एग्जांपल जो हमारा चार्ट है, ये आप देख रहे हैं कि ये इंडिविजुअल अष्टक वर्ग का चार्ट बने हुए हैं हर प्लैनेट के, और यहाँ पर जो है ये सर्वाष्टक वर्ग है, यहाँ पर जितने भी जो पॉइंट्स हैं टोटल हर हाउस के वो ऐड कर देते हैं तो ये सर्वाष्टक वर्ग बन जाता है। तो अगर हम इंडिविजुअल अष्टक वर्ग का चार्ट को कंसिडर करें, जैसे मान लीजिए मून का है, तो हमें हर हाउस में पॉइंट्स पता है कि हर हाउस में इतने इतने पॉइंट्स हैं मून के अष्टक वर्ग में। और दूसरा, मून जहां भी प्लेस्ड है, मून अगर जहां भी प्लेस्ड है, जैसे मून यहां पर प्लेस्ड है इस साइन में, तो हमने देखा कि इस साइन में कितने पॉइंट्स हैं, इस साइन में कितने पॉइंट्स हैं, तो आपने देखा आठ पॉइंट हैं इस साइन में, एंड आठ इज द मैक्सिमम पॉइंट, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो मून की पोजीशन, पता नहीं हमें कैसी लग रही है, अच्छी है खराब है,
बट यहां से हमें पता लगा कि मून इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस केस बिकॉज मून हैज 8 अष्टक वर्गा पॉइंट्स व्हिच इज द मैक्सिमम वन कैन हैव. तो हमें एक अच्छा आइडिया हो गया कि यहाँ से हो सकता है कि मून की पोजीशन हमें अच्छी ना लगे, छठे घर में है, राहु के साथ है. बट अष्टक वर्ग का चार्ट ने हमें बताया कि मून इज सो पावरफुल इन दिस केस बिकॉज जहां भी प्लैनेट प्लेस्ड है उसके साथ कितने पॉइंट एसोसिएटेड है वो आपको बताएंगे कि उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ क्या है, पहली चीज. सेकेंडली मान लीजिए कि हमें मून का ट्रांजिट देखना है गोचर, और मून जैसे आप जानते हैं कि 2.25 दिन में एक राशि क्रॉस करता है. तो ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस जब हम इस चार्ट को देखेंगे जहां जितने पॉइंट हैं, जितने ज्यादा पॉइंट होंगे जब मून उस राशि में आएगा तो आपके रिजल्ट अच्छे होंगे. और मून के साथ अगर मून के अष्टक वर्गा में अगर एक पर्टिकुलर राशि में पॉइंट्स कम है, जैसे किसी हाउस में आप देखेंगे कुछ पॉइंट्स कम है, जैसे यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 1 है या 2 हैं, तो जब इन राशियों में ट्रांजिट करेगा तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे. बट अगर 5 या 5 से ज्यादा पॉइंट हैं उन राशियों में ट्रांजिट करेगा तो उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे. तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि कोई भी प्लैनेट, और जैसे मैंने कहा कि मून है जो कि ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर आप देख सकते हैं कि आज मून के आपको क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं, आपका मूड कैसा रहेगा. तो हर राशि में जब मून ट्रांजिट कर रहा है तो मून के अष्टक वर्गा में आपने देखा कि मून के अष्टक वर्गा में कितने पॉइंट एसोसिएटेड है विद द इंडिविजुअल राशि, और जब उस राशि में ट्रांजिट करेगा तो उसके रिजल्ट आपको कैसे मिलेंगे. तो दोनों चीजें पता लग गई कि पहली चीज तो इस प्लैनेट की स्ट्रेंथ कितनी है, और जैसा मैंने कहा कि जहां भी वो प्लैनेट प्लेस्ड होता है उस प्लैनेट के अष्टक वर्गा चार्ट में हम ये देख लेते हैं कि उस राशि में जहां पर कि वो प्लैनेट प्लेस्ड है कितने पॉइंट्स हैं. तो यहाँ पर जैसे 8 पॉइंट हैं और हमने विदाउट नोइंग कि ये प्लैनेट कैसा प्लेस्ड है, क्योंकि मैनी पीपल कैन से कि छठे घर में है, राहु के साथ है, बहुत अच्छा नहीं होगा. बट द फैक्ट इज कि यहाँ पर इसके मैक्सिमम पॉइंट है और 8 पॉइंट मैक्सिमम हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपने देखा कि मून बहुत पावरफुल है. तो एक सर, इस तरह के केसेस में जैसे हमें अब ये दो थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्टरी मिला कि अष्टक वर्गा से स्ट्रॉन्ग है लेकिन वैसे देखें तो हमें वीक लगता है, तो किस देखिए अगर मैं एक चीज बताऊं आपको कि इवन व्हेन यू गो टू द ग्रह बल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट तो देयर आल्सो यू विल फाइंड कि मून इज नॉट वीक, मून विल बी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली. बट मेरा कहने का मतलब है कि इन स्पाइट ऑफ गोइंग इनटू सच ए डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन जस्ट बाय हैविंग ए ग्लांस वी कुड फाइंड आउट कि मून इतना कितना सिंपल है. मतलब आप देखा कि जब हम ग्रह बल निकालते हैं 6 तरह के बल निकालते हैं और उसमें कितनी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है. तो उसकी जगह हमने एक सिंपल तरीके से एक अष्टक वर्ग का चार्ट से पता लग गया कि ये वीक नहीं है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट. तो जनरली सर इसके रिजल्ट्स और ग्रह बल वाले रिजल्ट्स मैच करने चाहिए, नॉर्मली मैच करने चाहिए. और सर इन केस अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो तो किसको हमें ज्यादा प्रेफर करना? कंट्रोल कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट इज यूज्ड एज एन एडिशनल टूल एंड यू हैव टू अप्लाई विद द प्रूडेंस. आग बंद करके अप्लाई नहीं करना है क्योंकि मेनी टाइम्स यू विल फाइंड कि देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन आल्सो, राइट, बट सम टाइम इट्स वेरी यूजफुल आल्सो. It's very useful. What we found in most of the cases, it's not contradictory. Okay. It's correct also. But sometime it may be contradictory also. So naturally, you have to apply with the prudence actually. Okay, sir. Okay. Yeah. Thank you, sir. Uncle, is the maximum? Time, pardon? Sorry, if you finish your thought, uncle. A question tha, main poochti hun baad mein. Theek hai. So it's a wonderful additional tool for making prediction. It's not a replacement. We are not replacing the Parashar system. We're just taking the help of this knowledge of Ashtak Varga. Or dusra ye ki Sarvashtak Varga hai. Sarvashtak Varga. Isme aap dekh rahe hain ki har house mein kuch points hain. Certain points. These points tell you the strength of the house. How strong is the house? आपको कैसे पता लगे? कोई आप जो भी भाव बल्ब भी निकालते हैं उसमें भी इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर एक्चुअली,
बट यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से आपको ये पता लग गया कि हर हाउस आपका कितना स्ट्रॉन्ग है जस्ट बाई हैविंग ए ग्लांस एट द चार्ट एक्चुअली। तो इससे अच्छी तो कोई चीज नहीं हो सकती। अब यहाँ देखिए कि जैसे ये सिक्स्थ हाउस है, इट्स शोइंग 38 पॉइंट्स, इट्स वेरी पावरफुल। दिस थर्ड हाउस 30 पॉइंट्स, 11th हाउस 34 पॉइंट्स, दिस इज 10th हाउस 27 पॉइंट्स। ये आपके उपाचे स्थान हैं 3, 6, 10, 11। वी वांट मोर पॉइंट्स इन दिस हाउसेस। सो आपको एक असेसमेंट हो गया कि इन इन हाउसेस में ये पॉइंट्स ज्यादा हैं, जिसमें कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे कि वी डोंट वांट मोर पॉइंट्स इन ऑल द हाउसेस। There is a certain requirement of minimum point, but we don't want a particular house to be very strong, like 6th house, 8th house, 12th house. We don't want these houses to be very strong. तो एक हमें एक आइडिया लग जाता है इसको टेबल को देखने, चार्ट को देखने से कि हर हाउस की क्या पोजिशन है। It's a wonderful thing, I tell you. It's very, very useful. But only it has to be used with the prudence, क्योंकि कभी कभी जो है आप देखेंगे कि there may be contradiction what you say actually. अंकल एक क्लैरिफाइंग क्वेश्चन था कि इन केस ऑफ यू सेड द मैक्सिमम पॉइंट्स आर 8 राइट फॉर सो अबव व्हाट नंबर इज कंसीडर्ड स्ट्रांग दैट विल सी जस्ट नाउ आई विल सी टेल यू एंड द टोटल नंबर दैट एनी राशि कैन हैव दैट आल्सो विल डिस्कस दैट आल्सो विल डिस्कस या तो जैसे भी जैसे मैंने कहा कि 8 इज द मैक्सिमम पॉइंट इन द इंडिविजुअल एस्टेगोर का चार्ट So naturally, 4 is the average. So above 4 is a good point, but below 4 is a bad, it's not a good point actually. It's a weak position you can say. So hum agar individual Ashtakvarga ko dekhen, ki hum har planet ke Ashtakvarga ka chart aur kis tarah se hum use kar sakte hain. It's very useful way. Jaise ki maine kaha ki agar 4 se jyada point honge, to wo sign powerful hai. और चार से अगर कम पॉइंट है तो नेचुरली वीक पोजीशन है। जितने ज्यादा है उतना ही स्ट्रांग है, जितना कम है उतना ही वीक है। अब इनका हम कैसे यूज करते हैं इंडिविजुअल अष्टकवर्ग चार्ट्स का, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कहते हैं कि व्हेन सन ट्रांजिट भावा विद मोर बिंदुस, मान लीजिए कि सन का गोचर हो रहा है और उस राशि में हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो सन के भिन्नाष्टक वर्ग की बात कर रहे हैं कि जब हमने सन का भिन्नाष्टक वर्ग देखा और सन अगर कोई ऐसी राशि में ट्रांजिट कर रहा है जहां मान लीजिए 5, 6, 7, 8 पॉइंट हैं उस राशि में, तो जहां पर ज्यादा बिंदु हैं, तो कहते हैं कि वो जो मंथ होता है आपके लिए इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस मंथ। जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर चार्ट में अगर हम देखें, लेट अस सी, सन का भिन्नाष्टक वर्ग लेट अस सी ये है, सॉरी ये है सन का भिन्नाष्ट, दिस इज सन भिन्नाष्टक वर्ग। तो हमने देखा कि यहाँ मैक्सिमम पॉइंट सन के किस साइन में है, तो दिस इज 4, 3, 5, 4 लेट अस से दीज आर 5 पॉइंट्स हियर। यहाँ पर कौन सा साइन है, ये थर्ड साइन है, थर्ड साइन है। तो तीसरी नंबर राशि में 5 पॉइंट है या हम कहेंगे कि अच्छे पॉइंट है। तो जब सन थर्ड नंबर राशि में ट्रांजिट करेगा, सन थर्ड नंबर राशि में कब ट्रांजिट करता है, किस महीने में करेगा, सन जो है जेमिनी साइन में किस पीरियड में ट्रांजिट करता है, जून जुलाई में करेगा। थर्ड राशि है, आप इसमें तीन ऐड कर, 15 जून से 15 जुलाई तक। तो वो जो मंथ है 15 जून से 15 जुलाई तक, दैट इज वेरी ऑस्पिशियस मंथ फॉर यू, वेरी ऑस्पिशियस। इसमें जो भी आपको अपना कोई भी ऑस्पिशियस काम करना है, जैसे कि मैरिज है, कोई नया काम की शुरुआत करनी है, क्योंकि लोग पूछते रहते हैं कि हमारे लिए कौन सा महीना सबसे अच्छा है,
आप सन का अष्टक वर्ग देखिए, और सन के अष्टक वर्ग में जिस राशि में सबसे ज्यादा पॉइंट है, उस राशि में जब सन ट्रांजिट करेगा, दैट इज द मोस्ट ऑस्पिशियस मंथ फॉर यू। उसमें कोई भी आप अच्छा काम करना चाहें तो आप आग बंद करके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो इससे आपको डायरेक्शन मिल गई कि नॉर्मली लोग कहते भी हैं कि मेरा ये महीना बहुत खराब होता है, ये महीना बहुत अच्छा होता है, तो दैट यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस सन के भिन्नाष्टक वर्ग से कि जिस किस राशि में सबसे ज्यादा पॉइंट है, उस राशि में जब सन ट्रांजिट करेगा तो दैट इज द बेस्ट और मोस्ट ऑस्पिशियस मंथ फॉर यू। इसके अलावा डायरेक्शन की बात होती है कि वास्तु शास्त्र में तो क्या होता है कि डायरेक्शन फिक्स्ड है, हमें पूजा करनी है तो नॉर्थ में करेंगे, ईस्ट में करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में करेंगे, लेकिन अष्टक वर्ग डजंट बिलीव इन दैट और एस्ट्रोलॉजी डजंट बिलीव इन दैट। वो कहते हैं कि हर डायरेक्शन के पॉइंट आप ऐड करिए। ईच साइन यू नो रिप्रेजेंट सर्टेन डायरेक्शन, जैसे 159 ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, 2610 साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, 3711 वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, 4812 नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर डायरेक्शन के पॉइंट सन के भिन्नाष्टक वर्ग में आप ऐड कर लीजिए तो आपको हर डायरेक्शन के पॉइंट मिल जाएंगे। जब आपने 159 साइन में कितने पॉइंट हैं, कितने बिंदु हैं, उनको ऐड किया तो ईस्टर्न डायरेक्शन के पॉइंट मिल गए आपको। फिर 2610 के पॉइंट ऐड किए तो साउथ डायरेक्शन के पॉइंट मिल गए। तो हर डायरेक्शन के पॉइंट्स आप ऐड कर लीजिए और जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम पॉइंट्स हो, जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम पॉइंट हो, तो कहते हैं कि वो जगह आपके घर में दैट इज द मोस्ट सुटेबल प्लेस फॉर मंदिर और द डूइंग वर्शिप एक्चुअली। तो हमें उस पे नहीं जाना कि एक डायरेक्शन फिक्स्ड है, आपको सिर्फ सन के भिन्नाष्टक वर्ग में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के पॉइंट्स को ऐड करना है और जिस डायरेक्शन के पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे वो डायरेक्शन आपको सबसे ज्यादा सुटेबल होगी पूजा करने के लिए। तो इससे हमें ये डायरेक्शन का भी पता लग गया सन के भिन्नाष्टक वर्ग से, और ये भी पता लग गया कि कौन सा महीना आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं क्योंकि यू विल फाइंड कि जिसमें सबसे कम पॉइंट हैं वो महीना ठीक नहीं होगा। उस महीने में आप देखेंगे कि आपके जो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। इसके बाद एक तरह से हम और भी हम इसका यूज कर सकते हैं कि जहां भी सन है, सन के भिन्नाष्टक वर्ग में जहां भी सन है वहां से शुरू करके कंजिक्यूटिव 3 हाउसेस को हमने लिया और उसके पॉइंट्स ऐड कर लिए। जहां भी सन है उसको एक नंबर मानकर वी कंसिडर कंजिक्यूटिव 3 मोर हाउसेस, सो देयर आर 4 हाउसेस, उनके पॉइंट्स ऐड कर लिए। फिर जो सन से 5th हाउस है वहां से कंजिक्यूटिव 4 पोजीशन के पॉइंट्स ऐड कर लिए। फिर सन से जो 9th हाउस है वहां से कंजिक्यूटिव सन के पॉइंट्स ऐड कर लिए। तो ये जो 3 पार्ट आए और इन तीनों पार्ट्स के आपने पॉइंट देखे, तो दीज दे रिप्रेजेंट द 3 पार्ट ऑफ द डे। अगर हम दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लें, और दिन का मतलब हमारा एस्ट्रोलॉजी में सनराइज टू सनसेट होता है कि सनराइज से सनसेट का जो टाइम है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो फर्स्ट विल रिप्रेजेंट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे, सेकंड बी विल रिप्रेजेंट द सेकंड 1/3 पार्ट ऑफ द डे, एंड सी विल रिप्रेजेंट द थर्ड 1/3 पार्ट ऑफ द डे। और कहते हैं कि जिस में सबसे कम पॉइंट हो, जिस पार्ट में सबसे कम पॉइंट हो उसमें हमें कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है कि जिस डे ऑफ द पार्ट में सबसे ज्यादा आपके बिंदु आते हैं वो बिंदु आपके लिए बेस्ट होता है। कोई भी काम करना हो, मिलना हो, कोई अच्छा काम करना हो, किसी अच्छे काम की शुरुआत करनी हो, तो उस पार्ट में आप आंख बंद करके कर सकते हैं, और जिस पार्ट में जो टोटल सबसे कम है उसको हमें अवॉइड करना है कोई भी अच्छे काम करने के लिए। तो इस तरह से हम इसका
सन के भिन्नाष्टक वर्गा का इस्तेमाल करते हैं, और भी है बट दिस यू कैन सी, आई विल गिव यू द प्रेजेंटेशन आल्सो, बट दिस यू कैन सी योरसेल्फ, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट आई एम टेलिंग विद द जनरल यूजेस ऑफ दिस एक्चुअली. Now let's see moon. Moon का भी वही है कि जहां पॉइंट ज्यादा है, 6, 7, 8 है, तो जब मून उन राशियों में गोचर करेगा तो आपके रिजल्ट शुभ होंगे. फिर ये कहा कि अगर आपको किसी से मिलने जाना है तो आपको ये देखना है कि जो दूसरा आदमी है अगर उसकी राशि आपको मालूम है. इंटरव्यू इन द अर्ली मॉर्निंग विद द पर्सन बॉर्न इन द राशि विच इन द नेटिव हॉरोस्कोप एसोसिएटेड विद द मैक्सिमम बिंदु. मान लीजिए एक पर्टिकुलर राशि में आपके बिंदु सबसे ज्यादा हैं और वही राशि उसकी है जिससे आपको मिलने जाना है, तो उससे अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग मिलने जाएंगे तो उसमें आपके काम में पूरी तरह से सफलता मिलेगी. तीसरा है कि अगर इसमें भी जो हॉरोस्कोप मैचिंग की हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके हॉरोस्कोप में जो मून के जो भिन्नाष्टक वर्गा है उसमें जिस राशि में मैक्सिमम पॉइंट हो, जिस राशि में मैक्सिमम पॉइंट हो, वही राशि अगर आपके स्पाउस की है, वही राशि अगर आपके स्पाउस की है तो कहते हैं कि मैरिड लाइफ इज ऑलवेज हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस. तो मैचिंग के लिए भी अगर आप देख सकते हैं कि मून के भिन्नाष्टक वर्गा में किस राशि में एक पर्टिकुलर आदमी के या नेटिव के पॉइंट्स हैं, अगर वही राशि अगर उसके स्पाउस की होगी तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मार्स का है मंगल का, तो कहते हैं कि आपको देखना है कि मार्स की जो भिन्नाष्टक वर्गा है उसमें किस साइन में मैक्सिमम बिंदु हैं, हाईएस्ट बिंदु हैं, और जब मंगल उस साइन को ट्रांजिट करेगा, उस राशि को गोचर करेगा, वो टाइम आपको प्रॉपर्टी खरीदनी हो या लिटिगेशन में जाना हो या मार्स से कनेक्टेड कोई भी काम करना हो, वो टाइम आपके लिए सबसे अच्छा होगा. तो नेचुरली लोग बहुत आएंगे आपके पास कि प्रॉपर्टी खरीदनी है, कौन से महीने में हम खरीदें, तो आपको मार्स का भिन्नाष्टक वर्ग देखना है और जिस साइन में भी मैक्सिमम हाईएस्ट बिंदु होंगे, और जब मंगल उस राशि में गोचर कर रहा हो तो वो टाइम जो है इन सब चीज के लिए बहुत सुटेबल होगा. और जैसे अभी हमने सन के भिन्नाष्टक वर्ग में हर राशि हर डायरेक्शन के पॉइंट्स निकाले और हमने कहा कि जिस डायरेक्शन के मैक्सिमम पॉइंट होते हैं दैट डायरेक्शन इज सुटेबल फॉर वर्शिप, ऐसे ही हम मंगल के जो भिन्नाष्टक वर्गा है उसमें भी हर डायरेक्शन के पॉइंट निकालेंगे और जिस डायरेक्शन के मैक्सिमम पॉइंट होंगे वो आपके किचन के लिए डायरेक्शन सबसे ज्यादा सुटेबल होगी, क्योंकि मंगल इज कनेक्टेड विद द फायर, तो जहां फायर होती है या किचन हम कहेंगे तो किचन की डायरेक्शन वो सबसे ज्यादा आपके लिए सुटेबल होगी. ऐसे ही अगर हम मरकरी को देखें तो मरकरी में जहां भी जो जिस राशि में मरकरी के भिन्नाष्टक वर्ग में ज्यादा पॉइंट हो और उस राशि में जब मरकरी ट्रांजिट करेगा तो वो टाइम आपको सबसे अच्छा होगा मरकरी से कनेक्टेड कोई भी काम करने के लिए, एजुकेशन है, लिटरेरी वर्क है, डिबेट है, कम्युनिकेशन है, ऑल दोस थिंग्स, व्हाट एवर इज कनेक्टेड विद द मरकरी, मार्केटिंग है, कुछ भी काम उस टाइप का जो है. और ऐसे ही मरकरी के भिन्नाष्टक वर्ग में हम हर डायरेक्शन के पॉइंट निकालेंगे, हर डायरेक्शन के पॉइंट हम निकालेंगे, या हम ऐसा कर सकते हैं कि जब जिस साइन में मैक्सिमम बिंदु हैं मरकरी के भिन्नाष्टक वर्ग में, मरकरी के भिन्नाष्टक वर्ग में जिस राशि में मैक्सिमम बिंदु हैं, जब वो राशि राइज कर रही है, जब वो लग्न चल रहा है वाला, तो वो टाइम जो है पूजा के लिए सबसे सुटेबल होता है, क्योंकि हम दिन में कह सकते हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग करनी चाहिए या थोड़ा लेट करनी चाहिए, किस टाइम करनी चाहिए, या नॉर्मल पूजा को छोड़ दीजिए, बट अगर आप कोई स्पेशल जैसे हम लोग ध्यान वगैरह करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उस टाइप की पूजा के लिए जो बेस्ट टाइम है वो टाइम है जिस साइन में
मरकरी के भिन्नाष्टक वर्गा में मैक्सिमम बिंदु हो और वो साइन उस पर्टिकुलर टाइम में राइज कर रहा हो, तो दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन डू द पूजा। जुपिटर का अगर हम भिन्नाष्टक वर्गा कंसिडर करें तो जितने जहां ज्यादा पॉइंट होते हैं, जहां पर ज्यादा बिंदु होते हैं, तो वो जुपिटर से कनेक्टेड काम करने के लिए जब जुपिटर वहां ट्रांजिट करेगा तो सुटेबल होता है। फिर जो हर डायरेक्शन के हम पॉइंट निकालेंगे जुपिटर के भिन्नाष्टक वर्ग में, और जिस डायरेक्शन के मैक्सिमम पॉइंट होंगे वो जो है बेसिकली हम कहते हैं कि जो हमारा पैसे वैसे रखने का या कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए, हम नॉर्थ कहते हैं वास्तु के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि जुपिटर का आप भिन्नाष्टक वर्ग देखिए और उसमें डायरेक्शन किस डायरेक्शन के मैक्सिमम बिंदु हैं, वो डायरेक्शन आपको इस चीज के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होगी। और ऐसे ही जिस साइन में मैक्सिमम बिंदु हैं जुपिटर के भिन्नाष्टक वर्ग में, जिस साइन में मैक्सिमम बिंदु हैं उस साइन जब राइज करेगा तो वो टाइम भी आपके स्पेशल प्रेयर के लिए, वर्शिप के लिए, जाप के लिए भी सुटेबल होता है। ऐसे ही जब क्वेश्चन आता है कि कंसीव करने के लिए या जब चाइल्ड बर्थ के लिए, तो वो भी टाइम वही है जिस डायरेक्शन जिस साइन में जुपिटर के मैक्सिमम पॉइंट होते हैं उस टाइम अगर आप सेक्स करेंगे तो बच्चा होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। वीनस को अगर हम देखें तो नेचुरली जब वीनस ट्रांजिट करता है जहां पर मैक्सिमम बिंदु होते हैं तो वो वीनस से कनेक्टेड काम करने के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होता है, जैसे म्यूजिक करना, सेलिब्रेशन है, कोई मैरिज है, कोई फंक्शन है, कोई व्हीकल खरीदना है, कोई नए कपड़े खरीदने हैं, तो वो टाइम सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। फिर डायरेक्शन, तो जैसे हमने और अष्टक वर्गा में डायरेक्शन के पॉइंट्स निकाले, ऐसे ही वीनस के भिन्नाष्टक वर्गा में हम डिफरेंट डायरेक्शंस के पॉइंट निकालेंगे और वो डायरेक्शन आपको सुटेबल होगी आपके बेडरूम के लिए। देन सैटर्न, तो सैटर्न मींस कि जब जहां पर भी इसके मैक्सिमम बिंदु हैं, सैटर्न जब वहां ट्रांजिट करेगा तो जो सैटर्न से कनेक्टेड काम है, कोई फैक्ट्री लगानी है आपको, कोई एग्रीकल्चर से काम कनेक्टेड काम करना है, उसके लिए सुटेबल होगा। और डायरेक्शन भी जैसे डब्ल्यूसी वगैरह के लिए हम डायरेक्शन की बात करते हैं, या कोई फ्यूल का स्टोरेज करना है या एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट रखने हैं, किस डायरेक्शन में रखे जाए, तो वही हम जो शनि के भिन्नाष्टक वर्ग में हर डायरेक्शन के पॉइंट निकालेंगे और जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम पॉइंट होंगे वो डायरेक्शन इन सब चीजों के लिए सुटेबल होगी। तो इस तरह से हम जो भिन्नाष्टक वर्ग का हम इस्तेमाल करेंगे। अब क्वेश्चन आता है सर्वाष्टक वर्ग का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली एंड इट्स वेरी यूजफुल आल्सो। तो सर्वाष्टक वर्ग को हम डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानते हैं, समुदायष्टक वर्ग, अखिलाष्टक वर्ग, पिंडाष्टक वर्ग, महाष्टक वर्ग, शक्लाष्टक वर्ग। और जहां तक मैंने कहा कि ये जो सर्वाष्टक वर्ग है, इट टेल्स यू द स्ट्रेंथ ऑफ ईच हाउस, कि हर हाउस आपका कितना स्ट्रांग है, और जो एवरेज है दैट इज 25। अगर 25 से कम है तो हम कहेंगे कि वीक है, और अगर 25 से ज्यादा है तो वो हाउस जो है वो स्ट्रांग है। सो we take 25 as a base level. तो 25 से कम अगर है तो house weak, 25 से ज्यादा है तो house strong है। अब जैसे मैंने कहा कि we don't want certain houses we want to be strong, but certain houses we want to be weak actually. जैसे ascendant है, fifth house है, ninth house है, केंद्र है, हम चाहते हैं कि strong हो, वो जरूरी भी है, but we don't want these 6, 8, 12 houses to be strong. तो हर जो हाउस है उसको हमें ये नहीं देखना कि जितना बलि है तो अच्छा ही है, तो कुछ हाउस हमें स्ट्रांग चाहिए, कुछ हाउस हमें वीक चाहिए, और कुछ हाउस में हमें एक मिक्स टाइप की स्ट्रेंथ चाहिए। तो हमारा जो प्रश्न मार्ग है इन एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट, तो इसने कुछ हाउसेस की मिनिमम रिक्वायरमेंट
सर्वाष्टक वर्ग के पॉइंट्स की स्पेसिफाई की। उसने कहा कि फर्स्ट हाउस में अगर 25 पॉइंट्स हैं, दैट इज सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग एक्चुअली, ठीक है, हम उसको ठीक मानेंगे। सेकंड हाउस में 22 पॉइंट्स, ठीक है। थर्ड हाउस में 29 पॉइंट्स। फोर्थ हाउस में कहा 24 पॉइंट्स काफी हैं। फिफ्थ हाउस में कहा 25 पॉइंट। सिक्स्थ हाउस में कहा 34 पॉइंट्स। सेवेंथ हाउस में कहा 19 पॉइंट्स, सबसे कम पॉइंट देखिए आप। We don't want more points in the seventh house. Eighth house, 24 points. Ninth house, 29 points. Tenth house, 36 points. Eleventh house, 54 points. Twelfth house, 16 points. So what do you observe from here? The first is maximum points are required where? Here, you see 11th house. 11th house. Right. This is the house of gains. So this is the balance sheet. Spiritual gain. Yeah, this is not the house of financial gain. This is the house of what you have gained in this life. Hmm. What is going to be with you? जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो horoscope है, this is basically a life cycle. और इसको हम Gemini astrology में कहते हैं कि this is the end of the life. हर स्थान हम इसको बोलते हैं. तो जैसे हम किसी भी organization में एक activity खत्म होने के बाद बैलेंस शीट बनाते हैं, तो यही हमारी लाइफ की बैलेंस शीट है। इसमें हमें क्या मिला, हमने क्या गेन किया लाइफ में, एंड दिस गेन इज नॉट फाइनेंशियल गेन, दिस इज द स्पिरिचुअल गेन, जो हमारे साथ जाएगा। दिस इज व्हाट इज द अल्टीमेट एम कि 11th हाउस शुड हैव द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। जितनी स्ट्रेंथ 11th हाउस में होगी, इट मींस वी हैव सर्व्ड द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। जब हम लाइफ जिए, हमारा पर्पस पूरा हो गया कि हमें जो मैक्सिमम स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिली, जो हमारे साथ जाएगी। उसके बाद आप देखिए कि किस हाउस में हम पॉइंट सबसे ज्यादा मांगते हैं, उससे कम। 10th house इज ऑफ कोर्स इज हाउस ऑफ कर्मा। जितना हम कर्म करेंगे उतना ही, बल्कि यू शुड नॉट से 10th हाउस। यू सी third, sixth, tenth and 11th houses. These are the houses where we need the maximum points. Third, sixth, tenth and 11th houses. These are upachaya sthan. ये जो 3, 6, 10, 11 houses हैं, ये हमारे upachaya sthan हैं. और upachaya sthan को कहा houses of growth. Houses of growth. इसका मतलब जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे, हम लाइफ में उतनी ही मेहनत करेंगे, उतनी ही हमारी तरक्की होगी। दीज आर द हाउसेस व्हिच हेल्प यू इन ग्रोइंग एक्चुअली, 3, 6, 10, 11। तो इसलिए इन हाउसेस में हमने कहा कि हमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स होने चाहिए। और जैसे कहा कि उसके बाद छठा घर हम त्रिक हाउस भी कहते हैं, बट छठा हाउस जैसे भी हम लोगों ने एक्सप्लेन भी किया था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउस because this is 9th from 10th and 10th from 9th. 10th from 9th and 9th from 10th. So, ek to profession ka bhag hi ho gaya. 10th house is the house of profession and 9th house is a luck. So, we call it success in all your ventures. Hamara jo chhata ghar hai, it tells you ki aapke jo एक तरह से मैं कहूंगा कि आपके जो हम बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की या प्रोडक्टिविटी की या एफिशिएंसी की, वो बताता है कि जितना हाउस छठा घर स्ट्रांग होगा, उतना ही आपकी एफिशिएंसी होगी, उतना ही जो हम कहेंगे कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन पूरा होगा, आप जितनी भी मेहनत करेंगे उसका आपको पूरा फल मिलेगा। तो दैट्स व्हाई सिक्स्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हम कहते हैं कि सिक्स्थ हाउस इन स्पाइट ऑफ बीइंग द हाउस ऑफ डिसीज एंड ऑल द प्रॉब्लम, इट शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग। बट हम ये भी नहीं चाहते, बिकॉज जब हम इसको स्ट्रांग बना रहे हैं, तो वी आर मेकिंग इट स्ट्रांग एट अ सर्टेन कॉस्ट, दैट वी डोंट वांट एक्चुअली कि हम बीमारियां ज्यादा बढ़े या ज्यादा प्रॉब्लम आए। तो उसको हमें एक बैलेंस रखना पड़ता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी ना हो बट वीक ना हो कम से कम, जो है, क्योंकि यही एक ऐसा हाउस है कि हम कहते हैं कभी कभी कि हम थोड़ी मेहनत करते हैं उसका फायदा बहुत होता है या उसका पूरा हमें फल मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फल उसका नहीं मिलता।
तो इसलिए वो जो रोल है दैट इज द सिक्स्थ हाउस. तो अगर सिक्स्थ हाउस आपका स्ट्रांग होगा तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा, उतना ही उसका फल आपको मिलेगा. तो ये Uncle, जो one question, to clarify, जी. अगर अष्टक वर्गा टेबल बिफोर रिडक्शन देखें उसमें ये is that the right table to look at and look at the total बिंदु? This is what we are talking is the total bindu only. Total bindu, not total rekha. No, we are not talking after reduction. We are talking all what we have talked so far is only the total points without reduction. Achha. Aur uncle, meri horoscope mein ek total bindu bhi hai aur total rekha. Rekha, rekha means ki jo negative hota hai, but we are concerned only with the positive thing actually. I see, got it. Okay. Yeah, so we are concerned with the bindu only. Got it. Thank you. So now you see these houses. 5th, 9th, 3rd, 10th, we have seen these are important because jo 5th and 9th houses, hain, they are the houses of prosperity. 3rd or 10th house, jo humare, profession hai, humare andar initiative hai, humare andar risk-taking capability hai, hum jo mehnat karte hain, to isliye ye forward progress mein help karte hain, to isliye hume inke jyada point chahiye. Ab dekha aapne 2, 4th and 7th. Rather, 7th we said ki we need the minimum points actually. Kyunki ye sare points, sare houses hain, they are hindrance to the spiritual growth. Ye paise ka house hai, family ka house hai. Ye hamara comforts ka house hai. Ye hamara bhog sthan hai. To isme hum nahi chahte because this is contrary to what our aim is. Our aim is not material gain but spiritual gain. So, in houses mein agar hum jyada points honge to naturally you will be involved in all those things only in the material aspect of the life and that we don't want actually. So isliye aap dekh rahe hain ki 2 4th aur 7th mein, second mein humne kaha 22 point, fourth mein 24 point and seventh mein to bahut kam keh diya 19 points. Iske alawa jo 8th and 12th houses hain jo trick house baki bache usme bhi hum nahi chahte aur particularly kyunki 12th house हमारा expenditure का house है, तो उसमें हम चाहते हैं कि सबसे कम point हो. इसलिए आपने देखा कि 12th house में जितने कम point होंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है. सर यहाँ एक line लिखी है ना कि ऊपर planets in debilitation in 6th, 8th, 12th house give good results if associated with more points. If associated with the more points. जी. कि किसी भी जैसे कोई भी जब हम कहते हैं कोई भी हाउस है और उसमें प्लैनेट मान लीजिए डेबिलिटेटेड भी है या 6, 8, 12 में डेबिलिटेटेड है तो उसके रिजल्ट बेटर हो जाते हैं क्योंकि वो हाउस स्ट्रांग है, उस हाउस में ज्यादा पॉइंट्स हैं. तो 12th हाउस में हम नहीं चाहते बिकॉज देयर इज नो अदर यूज ऑफ दिस हाउस. तो इट्स अ हाउस ऑफ ओनली एक्सपेंडिचर. सो वी वांट मिनिमम पॉइंट्स इन दिस हाउस. तो 12th हाउस में हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है क्योंकि ज्यादा रिक्वायरमेंट ज्यादा अगर पॉइंट होंगे तो वो खराब है हमारी लाइफ के लिए. और 8th हाउस की इम्पोर्टेंस है अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए त्रिक हाउस बट एज वी डिस्कस्ड दिस इज पहली चीज तो यह है कि ये मोक्ष का स्थान भी है. 4, 8, 12 आर मोक्ष हाउसेस, द हाउसेस ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ. सेकेंडली दिस इज 11th फ्रॉम द 10th हाउस, दिस इज द हाउस ऑफ गेन्स इन द प्रोफेशन. तो इसलिए 8th house और 6th house दोनों 10th house के लिए बहुत important है, profession के लिए बहुत important है. तो इसलिए 8th house में तो हमने कहा अभी कि 24 point होने चाहिए, but 12th house we need the minimum, bare minimum, तो 16 points हुए. Now, how we analyze this Ashtak Varga? पहली चीज तो ये जैसे मैंने कहा कि हर house का हमें पता लग गया कि कौन सा house कितना strong है. तो अगर लग्न 9th, 10th and 11th हाउसेस, लग्न 9th, 10th and 11th हाउसेस किसी भी हॉरोस्कोप में बिकॉज दीज आर द गुड हाउसेस वी आर वी रिक्वायर मोर पॉइंट्स. तो अगर इन चारों में 30 से ज्यादा पॉइंट हैं, चारों में अगर 30 से ज्यादा पॉइंट हैं, इट मींस पर्सन इज लीडिंग ए हाई क्लास लाइफ. उसकी लाइफ जो है बहुत ही प्रॉस्पेरस होगी और अच्छी होगी. सेकेंड कहा कि अगर 10th हाउस में 36 पॉइंट्स हैं या 36 से ज्यादा हैं और उसके साथ कोई मैलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं है, मैलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं है, तो सच नेटिव दे हैव हैप्पी लाइफ विद वेल्थ अर्न्ड थ्रू द ओन एफर्ट्स.
अपने एफर्ट से वो पैसा कमाते हैं और उनकी लाइफ भी अच्छी होती है। 11th हाउस 54 पॉइंट्स, तो विदाउट हैविंग इन्फ्लुएंस ऑफ मैलिफिक प्लैनेट्स। तो एक तो अगर हम फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ऐसे पीपल दे एक्रू द वेल्थ थ्रू देयर ओन एफर्ट्स, तो फाइनेंशियल गेन भी होते हैं और स्पिरिचुअल तो है ही अगर ज्यादा पॉइंट्स हैं तो। Then I am leaving these things because this involved calculation. So इसमें क्या कहा कि आप 1, 2, 4, 9, 10, 11 houses के points add कर दीजिए, 1, 2, 4, 9, 10, 11 houses के। इसके अगर total sum is more than 164, so it means you have prosperity and your income is always more than expenditure. So financially you are well off in that case. और अगर हम 6, 8, 12 के हाउसेस को ऐड करें पॉइंट्स को और अगर टोटल 76 से कम होता है देन आल्सो इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, दोनों केसेस में इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। फिर 159 हाउसेस के पॉइंट ऐड करें उनको हम बंधु कहते हैं, 2, 6, 10 के ऐड करें उनको सेवक कहते हैं, 3, 7, 11 के ऐड करें उसको हम पोषक कहते हैं, 4, 8, 12 को ऐड करें तो घटक बोलते हैं। तो अगर पोषक इज मोर देन घटक इट मीन्स द पर्सन इज वेल्दी, इफ बंधु इज मोर देन सेवक इट मीन्स यू हैव इंडिपेंडेंट मीन्स ऑफ लिविंग एंड गुड रिलेशंस आल्सो। फिर है कि अगर 1, 4, 11 हाउसेस में 30 बिंदु होते हैं ईच में जो है, तो सच पीपल दे हैव प्रॉस्पेरिटी आफ्टर 40 इयर्स। एक्सचेंज ऑफ लॉर्ड्स ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ हाउस, exchange of lord of first and fourth house and both these houses have more than 33 points, so you have a king like wealth and ministership like thing. Then acquisition of wealth from the direction indicated by the second lord jahan bhi hai uski jo direction hai to hum kehte hain ki us direction se aapko paise ki prapti hoti hai. इसमें हम ये ट्रांजिट के रिजल्ट भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसा अभी हम लोगों ने कहा कि अगर 4 बिंदु से ज्यादा होते हैं और कोई भी प्लैनेट जब उस राशि में ट्रांजिट करता है तो उसके रिजल्ट आपको अच्छे होते हैं। दूसरा ये कहा कि प्लैनेट ट्रांजिटिंग अनफेवरेबल प्लेस but has more bindus, तो कहते हैं कि उसका जो malefic effect होता है planet का वो कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि planet नीच का है but वहाँ पर ज्यादा बिंदु हैं तो उसका जो malefic effect है वो कम हो जाता है। Planet transiting in a sign can give beneficial results during the passage of its through the kaksha lord of which has contributed bindus. It's a very important thing. जैसे मैंने कहा कि हर राशि को हम 8 हिस्सों में बांटते हैं और ईच राशि इज ऑफ ईच पार्ट इज ऑफ 3 degree 45 minutes, इसको हम कक्षा बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो प्लैनेट है जब कोई ट्रांजिट कर रहा है तो अभी तो हमने जनरल देखा कि जहां ज्यादा पॉइंट हैं वहां पर उसका ट्रांजिट अच्छा होगा, बट उसमें भी एट वाइल द प्लैनेट इज ट्रांजिटिंग डिफरेंट कक्षास डिफरेंट डिग्रीज, तो उसमें हम देखते हैं कि उस कक्षा का लॉर्ड क्या है और अगर उस कक्षा के लॉर्ड ने वहां पर अगर पॉइंट कंट्रीब्यूट किया है पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट किया है तो उस पर्टिकुलर 3 degree 45 minutes में उस प्लैनेट के रिजल्ट ट्रांजिट के रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। तो हम हर राशि में भी ये बता सकते हैं कि कौन से पार्ट में कौन सी कक्षा में प्लैनेट के रिजल्ट अच्छे होंगे और कौन सी कक्षा में जो है वो रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। फिर कहा कि when 4 or more planets simultaneously transit, kakshas whose lords have contributed bindus, मान लीजिए कि 3-4 planet एक साथ एक point पर transit कर रहे हैं
और उस जिस कक्षा में कर रहे हैं उनके लॉर्ड्स ने, उसके लॉर्ड ने अगर वो पॉइंट को कंट्रीब्यूट किया है तो उसके रिजल्ट जो है बहुत अच्छे हो जाते हैं. बेनिफिक इफेक्ट ऑफ ट्रांजिट गेट्स मल्टीप्लाइड इफ साइन ट्रांजिटेड इन एडिशन टू हैविंग मोर पॉइंट्स ऑल्सो हैपन टू बी ए प्लेस ऑफ प्लैनेट्स ओन साइन और एग्जॉल्टेशन साइन. कि अगर अपने साइन में ट्रांजिट कर रहा है और साथ में ज्यादा पॉइंट भी हैं तो उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे. और अगर वही प्लैनेट अगर नीच का है और ज्यादा पॉइंट वाले साइन में ट्रांजिट कर रहा है तो उसके रिजल्ट कम अच्छे मिलेंगे. देन इफ कक्षा लॉर्ड एंड ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स आर फ्रेंड्स, जिस कक्षा में ट्रांजिट कर रहा है उसका लॉर्ड और जो प्लैनेट फ्रेंड होते हैं आपस में, तो उसके रिजल्ट और ज्यादा बेटर हो जाते हैं. फिर कहा कि साइन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ बिंदुस इन द सैटर्न अष्टक वर्गा, व्हेन दिस साइन राइजेस नेटिव सफर्स फ्रॉम मेंटल डिस्टरबेंस. मतलब जो सैटर्न का अष्टक वर्गा है उसमें हमने देखा कि किस राशि में सबसे कम बिंदु हैं, और वो राशि जब राइज करती है या उसका जब असेंडेंट होता है उस टाइम आप देखेंगे कि नेटिव सफर्स फ्रॉम मेंटल डिस्टरबेंस. और इसके अलावा जो इंटेंसिटी ऑफ इविल रिजल्ट ऑफ साढ़े साथी, दे गेट मिनिमाइज्ड इफ दीज हाउसेस हैव मोर देन 30 पॉइंट्स ईच. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम साढ़े साथी की बात करते हैं, सैटर्न का जो ट्रांजिट हम कंसिडर करते हैं तीन साइन में, अगर उन तीनों साइन में 30 से ज्यादा पॉइंट हो तो कहते हैं कि साढ़े साथी का कोई इफेक्ट नहीं होता उस केस में. फिर जो है ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और वैसे भी जब कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट करता है जहां पर ज्यादा पॉइंट होते हैं तो उसके रिजल्ट आपको अच्छे ही मिलते हैं. तो वही हम कभी कभी जब साढ़े साथी वगैरह के रिजल्ट देखते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि जो शनि ट्रांजिट कर रहा है तीन राशियों में उसमें अगर सर्वाष्टक वर्गा में 30 से ज्यादा पॉइंट होते हैं तो रिजल्ट आपको खराब नहीं मिलते, रिजल्ट फेवरेबल ही मिलते हैं. और इसके अलावा जो इसमें हम, जैसे मैंने कहा कि लॉन्गिविटी भी हम कैलकुलेट करते हैं, लॉन्गिविटी कैलकुलेट करने का जो डिटेल है वो इसमें है, तो इसमें से आप देखकर जो है आप बता लगा सकते हैं कि लॉन्गिविटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. जो अभी हम राशि पिंड और ग्रह पिंड और स्वर्ण पिंड की बात कर रहे थे वो सारे के सारे हम जो बहुत सारी कैलकुलेशन है, दिस इज वन ऑफ द कैलकुलेशन, वी डू लॉट ऑफ अदर कैलकुलेशन आल्सो बेस्ड ऑन द अष्टक वर्गा. तो ये जैसे हमने कहा कि हर प्लैनेट का हम राशि पिंड निकालते हैं, ग्रह पिंड निकालते हैं और टोटल सौर्य पिंड निकालते हैं, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे लॉन्गिविटी डिटर्मिनेशन में. तो उसका फॉर्मूला है, इसमें जो लिखा हुआ है उस फॉर्मूले का यूज करके आप हर प्लैनेट ने कितने नंबर ऑफ इयर्स कंट्रीब्यूट किए तो वो हम निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ इयर्स कंट्रीब्यूटेड बाई ईच प्लैनेट. तो वो इस फॉर्मूले से जो यहाँ लिखा हुआ है वो आप निकाल सकते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ इयर्स आपको पता लग जाता है और उसके बाद जब टोटल नंबर ऑफ इयर्स आता है तो उसमें हम कुछ रिडक्शन अप्लाई करते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स. तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है क्या क्या हम किस बेसिस पर रिडक्शन अप्लाई करते हैं. और रिडक्शन अप्लाई करने के बाद वी फाइंड आउट द ग्रॉस ईयर्स कंट्रीब्यूटेड बाई ईच प्लैनेट. और ये रिडक्शन अप्लाई करने के यहाँ पर जो नेट ईयर आपको पता लग जाता है और इन सबको हम ऐड कर देते हैं तो दैट गिव्स यू द लॉन्गिविटी ऑफ ए पर्सन. तो दिस इज ऑल अबाउट अष्टक वर्गा. सो नाउ आई थिंक इट्स योर टर्न इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन. जो चार्ट्स में अष्टक वर्गा बिफोर रिडक्शन है एंड आफ्टर रिडक्शन एंड आफ्टर एकाधिपत्य रिडक्शन, व्हेन डू वी यूज द चार्ट फॉर आफ्टर रिडक्शन? दिस इज व्हाट आई टोल्ड जस्ट नाउ फॉर फाइंडिंग आउट द लॉन्गिविटी फॉर एग्जांपल. ओके जस्ट वन. ओके गॉट इट. या दिस इज वन ऑफ द यूज ऑफ दिस आफ्टर रिडक्शन. अंडरस्टूड. एंड सोडिया पिंड, जो पिंड्स थे वो सिर्फ लॉन्गिविटी के लिए यूज करते हैं और देयर अदर? नहीं, लॉन्गिविटी के लिए नहीं, देयर अदर थिंग्स आल्सो वी डू विद द अष्टक वर्गा चार्ट्स एक्चुअली.
So this is one of the thing I told you, that is the longevity. To find out the longevity, we use it Rashi Pind, Graph Pind. These are all after deduction only. Understood. Thank you. Any other question? Not only connected with Ashtak Varga, anything else? It's no good question. To see you back in good health, Uncle. Pardon? It's good to see you back in good health. No, thank you so much. It's all your good wishes and blessings, actually. I'm back here again. Sir, can I ask something? Yeah. Sir, what is the meaning of a situation when the Rashmi Kiran of a planet is zero? It's a weak planet, but we don't see the individual Rashmi Kiran. जब हम मैंने कहा था कि रश्मि किरण इज लाइक एन इंडेक्स ऑफ ए नेटिव, इंडेक्स ऑफ द लाइफ ऑफ ए नेटिव. तो वी व्हाट वी डू, वी कैलकुलेट द इंडिविजुअल रश्मि किरण, देन वी सी द रश्मि किरण इन टोटलिटी. सो व्हाट वी आर कंसर्न्ड इन एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज वी डोंट सी द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, बिकॉज दैट वी कैलकुलेट बाय आवर स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट एटसेट्रा. सो वी आर कंसर्न्ड ओनली विद द टोटल रश्मि किरण, एंड टोटल रश्मि किरण इज जस्ट लाइक एन इंडेक्स ऑफ द लाइफ ऑफ ए नेटिव. अब जैसे मैंने कहा था कि जितनी रश्मि किरण ज्यादा होंगी उतना ही अच्छा है. दैट शोज द स्टैंडर्ड ऑफ ए पर्सन, लाइफ इज डेफिनेटली बेटर एक्चुअली. बट ऐसा नहीं कि जिसकी रश्मि किरण कम है उसकी लाइफ खराब है. देखिए, जिसकी रश्मि किरण ज्यादा है, 25 से ज्यादा है, तो डेफिनेटली द लाइफ विल बी मच बेटर, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी मच बेटर. बट अगर कम भी है तो देयर मे बी अदर फैक्टर्स इन द होरोस्कोप. जैसे कि हम प्लैनेट की बात ही नहीं करते, वी सी अदर थिंग लाइक राजयोगास. ओके, हो सकता है कि उसके होरोस्कोप में और कोई राजयोग हो जिसकी वजह से अच्छा हो. बट अगर रश्मि किरण को ही देखें और रश्मि किरण अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली इट्स ए गुड इंडिकेशन अबाउट द इंडेक्स ऑफ द लाइफ ऑफ दैट नेटिव. ओके, suppose one planet shows a zero index and the other planet shows a very good index. Yeah, that is basically we calculate the strength. Rashmi is one of the way of calculating the strength of each planet. तो सर हमारी लाइफ में उनका मिक्स्ड इफेक्ट आता है, एवरेज हम उस लाइफ को जी पाते हैं या नहीं, उसको इंडिविजुअल मत देखिए आप. What I told you that basically we are concerned with the total Rashmi Kiran of all the planets, including करके जो total आता है उसको, उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए बस. Because की अंतर्दशा भी आती है इस वजह से? नहीं, because there are different ways of calculating the strength actually. Okay. और strength planet के ऊपर ही depend नहीं करती, उसमें बहुत सारे योग हैं या बहुत सारे aspect हैं, वो भी हम लोग देखते हैं कि क्या position है उनकी. तो definitely it's better. But ऐसा नहीं किसी की कम है तो आप कह दीजिए बिना horoscope देखे हुए कि अच्छा नहीं है standard. That is not correct. हाँ हाँ. Okay. Thank you, sir. सर फिर संडे को कितने बजे होगी? संडे को इसी टाइम पर, नॉट टुमारो बट फ्रॉम द नेक्स्ट संडे. जी तो सर, कैन वी डू समथिंग? पार्डन सर, कैन वी डू समथिंग कि हम जिसकी डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट हम उसको पहले आज ही होमवर्क के लिए ले ले और हम उसके बारे में खुद सर्च करें. व्हाट वी विल डू, आई विल टेल यू द मेथड आल्सो. फर्स्टली इट विल बी टेकन इन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस ओनली. And okay. Each one of you can give one horoscope only. Uh-huh. So for your horoscope, you can put in the group actually. You write some 2-3 line about that person. Okay. Some basic thing. And then you ask the specific questions. Okay. So that everybody can see, everybody can go through. And then we discuss in the class next time. Okay. Okay. Yeah. So each one of you can have, can give one horoscope actually. Okay, sir. Yeah. So that will give you some practice ki how we analyze the horoscope. Yeah.
हाँ हेलो, नो क्वेश्चन सर, हम लोगों आई ने ज्यादा पढ़ा नहीं है थिंक पीछे का भूल गए इतने दिनों में आज। शायद इतने दिन के बाद फर्स्ट टाइम वी आर रीडिंग इट और रिवाइज रिवीजन करना है। इसीलिए जो है एनीवे आप लोग डालते रहिए अपना अपना जो भी जिसका भी हॉरोस्कोप दिखाना देखना है उसके बारे में दो चार लाइन लिख कर एंड देन यू कैन आस्क द स्पेसिफिक क्वेश्चंस एक्चुअली सो दैट एवरीबॉडी कैन गो थ्रू एंड एवरीबॉडी कम्स प्रिपेयर्ड इन द क्लास सर, दो चार लाइन का मतलब उनकी क्रेडेंशियल्स, उनका सम बेसिक थिंग अबाउट दैट पर्सन यू राइट एक्चुअली बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज बेसिकली देश पात्र काल का में ध्यान रखना पड़ता है उसमें जो है because planet position may remain the same but the predictions may be different for different persons राइट सर, थोड़ा सा ऑफबीट क्वेश्चन है इससे। जब आपने एक वो मैच मेकिंग वाला बताया था ना, उसमें मतलब जी पुराना है थोड़ा सा, जी तो जी व्हेन वी द फर्स्ट थिंग वी डिसाइडेड वाज कि दोनों हस्बैंड वाइफ जो होने वाले हैं उनकी लॉन्गेविटी चेक करते हैं हम, करेक्ट है ना। तो सर वो हमने कैसे, कैन यू जस्ट रिकॉल दैट। या देखिए हमने कहा था कि जो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग अबाउट मैचिंग इज यू फर्स्ट यू सी द लॉन्गेविटी ऑफ बोथ एंड लॉन्गेविटी मीन्स कि द एज डिफरेंस शुड नॉट बी मच द लॉन्गेविटी शुड ऐसा ना हो कि एक की लॉन्गेविटी 50 साल हो एक की 80 साल हो एक की 30 साल हो एक की 60 साल हो उनका जो लॉन्गेविटी है दैट शुड बी इन द सेम रेंज मतलब ऐसा ना हो कि एक की डेथ के बाद दूसरे को बहुत लंबे टाइम तक अकेला रहना पड़े दैट इज द पर्पज एक्चुअली हाँ सर, आपने बताया था उसको हमने कैसे चेक करेंगे। हाँ तो उसमें जो चेक करने का मेथड है एक तो यही आपने देखा अभी अष्टक वर्गा गिव यू वेरी फेयर आइडिया अबाउट द लॉन्गेविटी एंड सेकेंडली लॉन्गेविटी का जो अर्थ है उसमें तीन चीजें हैं एक तो लग्न की पोजीशन देखते हैं हम अगर लग्न स्ट्रांग है मून स्ट्रांग है और एट्थ हाउस स्ट्रांग है तो सच पीपल हैव ए लॉन्गर लाइफ एक्चुअली अगर लग्न स्ट्रांग है और मून स्ट्रांग है और एट्थ हाउस स्ट्रांग है पहली चीज तो ये है सेकेंडली अगर केंद्र हाउसेज स्ट्रांग होते हैं विदाउट हैविंग इन्फ्लुएंस ऑफ मैलिफिक प्लैनेट्स एंड जुपिटर इज आल्सो एन एस्पेक्ट ऑन लग्ना सो सच पीपल आल्सो हैव ए लॉन्ग लाइफ एक्चुअली उनकी भी लॉन्ग लाइफ होती है इसके अलावा अगर जो एट्थ हाउस है जैसे मैंने कहा कि सैटर्न जो है वो प्लैनेट ऑफ लॉन्गेविटी है तो सैटर्न भी अगर वेल प्लेस्ड है और पर्टिकुलरली इफ इट इज एसोसिएटेड विद द एट्थ हाउस सच सच पीपल आल्सो हैव अ लॉन्ग लाइफ और ये भी कहा कि अगर एट्थ हाउस में तीन प्लैनेट हैं एट्थ हाउस में तीन प्लैनेट हैं वन इज एग्जॉल्टेड वन इज इन द ओन साइन एंड वन इज इन द फ्रेंडली साइन एट्थ हाउस एज एन एसोसिएशन ऑफ थ्री प्लैनेट आउट ऑफ दोज वन इज एग्जॉल्टेड वन इज इन इट्स ओन साइन वन इज इन द फ्रेंडली साइन सभी भी ऐसे लोगों की पूर्ण आयु होती है लॉन्गविटी लॉन्ग लाइफ होती है इसके अलावा भी एक चीज और भी है कि अगर सैटर्न या एट्थ हाउस का लॉर्ड सैटर्न और द लॉर्ड ऑफ एट्थ हाउस इफ इट इज एसोसिएटेड विद एन एग्जॉल्टेड प्लैनेट इफ इट इज एसोसिएटेड विद एन एग्जॉल्टेड प्लैनेट तो सच पीपल ऑल्सो हैव ए लॉन्ग लाइफ बट बेसिकली क्योंकि उस टाइम आपको कैलकुलेट करने का टाइम नहीं मिलेगा तो यू हैव टू असेस फ्रॉम द असेंडेंट मून एंड द एट्थ हाउस या थैंक यू सर। और उसको ग्रुप में ही डालना है। हाँ ग्रुप में ही डालना है आपको सो दैट एवरीबॉडी कैन सी सर, अगर एग्जॉल्टेड प्लैनेट एनिमी प्लैनेट हो तब भी लॉन्गेविटी रहती है। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, अगर एथ हाउस में मार्स रूलिंग प्लैनेट है और सेकंड हाउस में भी मार्स बैठा हुआ है और उसी के साथ बैठा हुआ है वीनस जो एग्जॉल्टेड है, तो वीनस एथ हाउस को देख रहा है और मार्स अपने ही घर को देख रहा है, तो हाँ तो वीनस अच्छा योग बना एग्जॉल्टेड रहा है। है जब वीनस भी देख रहा है और मंगल भी अपने घर को देख रहा है तो जो भी प्लैनेट अपने घर को देखता है तो इट प्रोटेक्ट दैट हाउस हमने कहा था कि वो राजयोग बनाता है कंसर्निंग दैट पर्टिकुलर हाउस पर तो ये वो तो अच्छा एनिमी
एनिमी वो अच्छा ही है रिलेशनशिप. अच्छा एनिमी कहाँ हुआ? वीनस और मार्स वीनस एंड मार्स दे आर टुगेदर दैट इज फॉर द सेकंड हाउस. बट व्हेन यू आर लुकिंग एट द एर्थ हाउस फर्स्टली मार्स इज द लॉर्ड ऑफ एर्थ हाउस एज यू सी. लॉर्ड इज एस्पेक्टिंग इट्स ओन साइन. Right. So that is a very good position of that particular house. And apart from that, another planet, which is Venus, which is a benefic planet, that is also having an aspect on 8th house. So this is a good position. It's not a bad position. Okay. Yeah. Thank you, sir. Thank you. सर सर जैसे आपके सिक्स्थ हाउस में सैटर्न है और उसकी टेंथ उसका थर्ड हाउस में टेंथ नंबर पड़ेगा तो इट विल इट इज सीइंग इट्स ओन हाउस. इट इज हैविंग एन एस्पेक्ट ऑन इट्स ओन हाउस. और उस बंदे का मर्करी वैसे तो वीक है तो इट विल प्रोटेक्ट द थर्ड हाउस का मतलब क्या हुआ? थर्ड हाउस का मतलब क्या है? थर्ड हाउस से हम क्या देखते हैं? स्पीच एंड ऑल. थर्ड हाउस से सिबलिंग्स. हाँ, पहली तो यंगर को बॉन्ड हम देखते हैं. बाहुबल. सेकंड आपका जो एडवेंचर है, करेज है, रिस्क कैपेबिलिटी है, इनिशिएटिव है, कम्युनिकेशन है, शॉर्ट जर्नीज है, तो ऑल दोस थिंग्स वी एग्जामिन फ्रॉम द थर्ड हाउस. ओके, तो उनको प्रोटेक्ट करेगा, अच्छा रहेगा उनके लिए, नॉट बैड. जब भी कोई भी प्लैनेट कोई भी हो, एक्स वाई जेड, मैलेफिक हो बेनिफिक हो, जो अपने साइन को एस्पेक्ट करता है तो उस हाउस से कंसर्न राजयोग बनाता है. इट मींस इट प्रॉस्पर्स दैट हाउस, इट प्रोटेक्ट्स दैट हाउस. ओके 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 थैंक यू सर. चलिए फिर खत्म करते हैं. एंड अगेन आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. No, sir, it is good. It is so nice to see you, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. And we meet on the next Sunday at the same time, 4 o'clock. Thank you. Thank you so much. Thank you.